दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने फाइल कर दिया एक नया पैटेंट, जहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो यूएसबी टाइप सी की पैटेंट होती है उसी से मिलती जुलती चीज है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, देखते रहिए आप इसी वीडियो को। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने काफी सारे प्रोडक्ट्स निकाले हैं, जैसे कि सर्फेस प्रो के टैब निकाले थे और सर्फेस प्रो के लैपटॉप निकाले थे, और ये कुछ कंट्रीज में स्टूडेंट्स में काफी पॉपुलर भी रहे थे ये प्रोडक्ट। यहाँ पे एक चीज लैक कर रही थी कि यहाँ पे USB टाइप सी नहीं मिल रही थी इन जगहों पे, लेकिन वो इतनी बड़ी यहाँ पे इशू नहीं बन रही थी। हाँ, भले कि टैबलेट में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस लगते हैं जो कि USB टाइप सी आने शुरू हो गए हैं, मैं इस कंट्री की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड की बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अब USB टाइप सी में आने लगी है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक डिसीजन लिया था कि वो अपना एक ऑथराइज पोर्ट बनाएंगे जो कि USB टाइप सी और USB टाइप ए से अलग होगा, और वो उसी पोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन शायद वो अभी आने में टाइम लगेगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया पैटर्न फाइल किया है जिसमें देखने को ये मिल रहा है कि USB टाइप सी पोर्ट जो है वहाँ पे मैग्नेट का यूज किया जा रहा है, जिसकी मदद से जो USB है वो अपने आप अंदर चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पे दो तरीके की पैटर्न्स है, एक है जिसमें कि आपको मैग्नेटिक USB टाइप सी पोर्ट दिख रही है, और एक है जिसमें यहाँ पे एक कनेक्टर है जो कि मैग्नेटिकली यहाँ पे कनेक्ट करेगा लैपटॉप को और भी चीजों से। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी तक जो USB पोर्ट थे वो अटैच होते थे, अब आप देखोगे कि यहाँ पे उसे लॉक करने का भी ऑप्शन होगा और उसे फोल्ड करने का भी ऑप्शन होगा, जो कि काफी अलग तरीके से यहाँ पे चल रहा है। हो सकता है ये एक बेटर तरीका हो एज इन कम्पेयर्ड में अभी जितने भी USB पोर्ट्स होते हैं उनसे। आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा कि ये क्या चीज है यहाँ पे, और शायद इसे आने में भी अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो पैटेंट ही फाइल हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये ड्यूल डिस्प्ले वाला जो माइक्रोसॉफ्ट टैबलेट लेके आ रहा है वहां पे ये चीज देखने को मिल सकती है। तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि आपको क्या लगता है, यहाँ पे कुछ ऐसा आ सकता है या नहीं। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में।